अच्छी सलाह। सर आइज़क न्यूटन, जो एक जीनियस के नाम से मशहूर थे, उन्होंने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कहा था कि हर एक हरकत पर एक बराबर का और मुकाबिल मुदाफल होती है। और जबकि ये किस्सा न्यूटन के वक्त से पहले का है, इससे साबित होता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन रोज के कामों में भी मुकम्मल होता है। तो बिना वक्त जाया किए चलो शुरू करते हैं। एक वक्त की बात है, एक छोटे से शहर में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। अरीसा और स्टीवन, जिनका ये मानना था कि वो दुनिया का सबसे दिलशाद जोड़ा है, वो एक दूसरे से तो यही कहते थे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो अरीसा। और मुझे भी खुशी है स्टीवन। तुम्हें नहीं लगता हम दुनिया के सबसे खुशनसीब और अच्छे कपल हैं? वो तो हम हैं ही। हनी, मैं आ गया। स्टीवन, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? मैंने भी तुम्हें मिस किया। मैं नहा लेता हूँ और फिर हम खाना खाएंगे, ठीक है? रुको स्टीवन, तुम्हें अपने जूतों को शू रैक में रखना था, याद है? मैं भूल गया। कोई बात नहीं, मैं रख देती हूँ। तुम जल्दी से जाकर नहा लो। तुम्हारा जवाब नहीं। स्मृति ने कैसा रहा आज का? उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और वो कपल सच में बहुत ही खुश था। वो इतने खुश थे कि उन्होंने छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार आ रही थी। दिन महीनों में बदल गए और महीने साल में, और वो दोनों जो कभी खुश थे आज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर रहे थे। तुम्हें पता नहीं क्या कि जूतों को शू रैक में रखते हैं? हाँ मैं रख दूंगा, ठीक है? मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो, अभी अभी तो मैं घर आया हूँ। नहीं, तुम भूल जाओगे, मुझे ही तुम्हारे जूतों को रखना होगा, तुम्हारे कपड़े इस्त्री करने होंगे, घर को संभालना होगा, और उसके बाद भी तुम मुझ पर चिल्लाओगे। ओफो, अब बस भी करो अरीसा, आज पहले ही मेरा दिन खराब रहा है। मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। तो क्या मुझे बहस करना पसंद है? मैं थक गई हूँ सुनकर के काम पर तुम्हारा दिन कितना खराब गया है, जबकि मुझे हर छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर मत करो, मैंने तुमसे करने को नहीं कहा था, बस अब मुझे अकेला छोड़ दो। जी हाँ, उनकी जिंदगी में कड़वाहट भर गई और उनके झगड़े भी हर दिन और बदतर होते चले गए। दाल में नमक कितना ज्यादा है? मुझे तो ठीक लग रहा है। कुछ भी, ज्यादा ताना मारने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो अपने लिए खुद खाना बना लो, या फिर कुड़कुड़ करना बंद करो। तो क्या अब मुझे पूरे दिन काम करने के बाद अच्छा खाना भी नसीब नहीं होना चाहिए? तुम अकेले नहीं हो जो काम करते हो, मैं भी काम करती हूँ। घर संभालना कोई आसान काम नहीं है। तो तुम ही बताओ क्या करूँ, क्या मैं चुपचाप ये नमक वाला खाना खा लूँ? इसमें नमक ज्यादा नहीं है, और अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो खुद खाना बना लो, समझे? ठीक है। प्लेट को आगे सरकाकर स्टीवन खड़ा हो गया और सीधे घर से बाहर चला गया। और यही सिलसिला चलता रहा। हर दिन जब वो काम से घर आता तो वो लड़ना शुरू कर देते। बदले में अरीसा उसे भला बुरा कह देती और चीजें बद से बदतर हो रही थी, और जल्दी दोनों एक दूसरे से आंख तक नहीं मिला रहे थे। अब एक दिन हमेशा की तरह अरीसा अपना पानी का घड़ा लिए झरने की तरफ जा रही थी। वो इतनी दुखी थी कि उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर टपक रहे थे। वहाँ उस झरने के पास एक बूढ़ी औरत भी थी जो अपना घड़ा भरने के लिए आई थी। उसने अरीसा की तरफ देखा और उसे बहुत बुरा लगा। क्या बात है मेरी बच्ची, मैं देख रही हूँ कि आज तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं। रोते रोते अरीसा ने उस बूढ़ी औरत को सब बताया जो उसकी जिंदगी में हो रहा था, और जब उस बूढ़ी औरत ने पूरी कहानी सुनी, उसने घड़ा लिया और झरने से पानी भर दिया। अब घर जाओ मेरी बच्ची, पानी को इस घड़े में ही रखना। अगर तुम अपने पति की बातों से तिलमिला जाओ तो अपने मुंह में इस पानी को भर लेना। पर इससे क्या होगा? तुम जान जाओगी बेटा, जल्दी जान जाओगी। अरीसा ने उस औरत को शुक्रिया कहा और वो घर चली गई। उस रात जब स्टीवन और अरीसा खाना खा रहे थे, स्टीवन ने कहा, कल रविवार है अरीसा, तो मैं सोच रहा था कि बाड़े को ही पेंट कर लूं। बाड़े को पेंट करोगे? पर हम तो कल बाजार जाने वाले थे ना स्टीवन। हम शाम को भी तो जा सकते हैं,
मेरी हर एक बात पर तुम्हें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरीसा और चिल्लाने ही वाली थी कि वो बीच में ही रुक गई, क्योंकि उसे याद आया जो उस बूढ़ी औरत ने कहा था। उसने पानी का घड़ा लिया और थोड़ा सा पानी अपने मुँह में भर लिया। क्या कर रही हो? पता है तुम अजीब बर्ताव कर रही हो। तुम्हें मुझसे कुछ ज्यादा ही परेशानी है ना? मैंने कुछ कहना शुरू भी नहीं किया कि तुम बस मुझ पर चिल्लाने लगती हो। मैं तो भूल ही चुका हूँ कि आखिरी बार हम दोनों कब तसल्ली के साथ बैठे थे। तुम हमेशा बस स्टीवन कुछ देर तक ऐसे ही बड़बड़ाता रहा। उसके बाद वो रुक गया। उसने गहरी सांस ली और खाना खाना शुरू किया। और जहाँ तक अरीसा का सवाल है, वो खुश थी कि पहली बार वो चैन की नींद सोने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। और जब कभी स्टीवन कुछ कहता जिससे अरीसा तिलमिला जाती, तो वो घड़े से थोड़ा पानी पी लेती। अरीसा के बर्ताव में बदलाव से स्टीवन को समझ आया कि वो कितना गलत था। उसे वो पल याद आ रहा था जब वो दोनों कितने खुश थे, और अरीसा हैरान थी ये देखकर कि चीजें बदलने लगी। तुम तो आज बेहद खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। तुम भी अच्छे लग रहे हो स्टीवन। अब खुशियों और मुस्कुराहटों ने सभी गलत फहमियों को धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। ओह, जादुई पानी खत्म हो गया है। वैसे मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, पर अगर फिर से लड़ाई हुई तो बेहतर होगा मैं पहले से ही घड़े में पानी भरकर रख दूं। तो अगले दिन वो झरने की तरफ गई, इस उम्मीद से कि उसे वो बूढ़ी औरत फिर से मिल जाएगी जिसे उसने वो जादुई पानी दिया था। उसने उस बूढ़ी औरत को झरने के पास देखा। अरे बेटा, कैसी हो तुम? खुश लग रही हो? लगता है मेरा नुस्खा काम आया। हाँ, उसने तो कमाल ही कर दिया। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं दोबारा खुश हूँ। अब मैं और मेरे पति लड़ते झगड़ते नहीं हैं, और अब चीजें पहले की तरह हो गई हैं जब हम दोनों एक दूसरे से खुश थे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ओह दादी माँ, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुझे थोड़ा और जादुई पानी दे दें। क्या जादुई पानी? हाँ बेटा, जो पानी मैंने तुम्हें घड़े में भर कर दिया था वो इसी झरने का था। ये वही पानी है जो तुम हर दिन घर ले जाती हो। एक राज की बात बताती हूँ, जब तुम्हारा मुँह पानी से भरा होता है तुम जवाब नहीं दे सकती, झगड़ा आगे नहीं बढ़ता और जल्दी ही खत्म हो जाता है। इसलिए अब उदास रहने की जगह तुम खुश हो। कोई जादुई पानी नहीं है। अब घर जाओ, और जब कभी तुम्हें अपने पति पर गुस्सा आए या किसी और पर, तो ये मान लेना कि तुम्हारा मुँह पानी से भरा है और तुम जवाब नहीं दे सकती। यही असली जादू है बेटा। जाओ और हमेशा खुश रहो। आपको पता है आप कमाल की हैं। अरीसा ने उस सलाह को हमेशा याद रखा और वो जिंदगी भर खुश थी। और जब उसके खुद के बच्चे हुए तो उसने उन्हें भी उस राज के बारे में बताया। इसलिए जो लोग चुप रहते हैं वो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। अपने गुस्से को खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि आप जो भी कहोगे या करोगे उसका असर जरूर होगा। जैसे सर आइज़क न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहा था कि हर एक हरकत पर एक बराबर का और मुकाबिल मुदाफल होती है।